हेलो वॉचिंग गाइस, वेलकम बैक टू स्पैक रिएक्शन। टुडे आई एम गोइंग टू रिएक्ट ऑन तेरा साथ हो ऑफिशियल वीडियो बाय गुरु रंधावा जहराज खान फीचरिंग करण वाही सोल। लेट्स गो, देखते हैं कैसा ट्रैक है, क्या कैसा वाइब है ट्रैक का एंड स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, गुरु रंधावा करण वाही या फिर जहराज खान के फैन हैं, इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर नहीं किए वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर अच्छा लगे तो थम्स अप दे देना, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक कर देना। एंड अगर मुझसे कुछ भी गलती होती है या फिर आप कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन ऑन है, सो बेफिक्र होकर कॉमेंट कर दीजिएगा। बाकी लेट्स गो, देखते हैं कैसा वाइब है, क्या कैसा ट्रैक होगा एंड लेट्स गो। प्रमोशन एक्सपेक्टेड। डायरेक्टर कॉल इन एंड हाल से तू जो आके छूले तेरे छूने से रात हो तेरी मेरी दोस्ती की। यार ये चीज़ सही लग रही है, मतलब जब वोकल स्पीड हो रहा है तभी बस वो मेलेडीज वाला पियानो जा रहा है एंड बाकी फिर पॉज हो जा रहा है। आई लव इट, तो लव इट भाई, लेट्स गो। तेरी मेरी दोस्ती की कोई तो शुरुआत हो, ड्रॉप कैसा लगने लगा उस तुमसे किसी भी बहाने से बात हो भूल करे। ज़्यादा पैटर्न वगैरह जो बाउंसी पैटर्न टाइप उस टाइप का कुछ नहीं दिए, बस थोड़ा सा बेस किक एंड क्या दें स्नेयर टाइप का थोड़ा सा कुछ दिए एंड थोड़ी सी मेलेडिक वाइब दिए एंड लेट्स गो। लेट्स तुमसे किसी भी बहाने से बात हो भूल करे जहाँ पास आओ मैं हाथों में तेरा हाथ हो। यार इंस्ट्रूमेंटल नहीं है लेकिन अच्छा साउंड कर रहा है या भूल करे न्यू साउंड सुनने में ना भाई जो अलग एक अलग ही मजा रहता है। सो या मुझे अच्छा लग रहा है, लेट्स गो लेट्स गो सुनते भूल करे जहाँ पास आओ हाथों में तेरा हाथ हो तेरा साथ हो। भाई एक दूसरे सॉन्ग का सैंपल गया एंड यार सुना सुना लग रहा है लेकिन अभी दिमाग में टाइटल नहीं आ रहा है मेरे गाने का, क्योंकि मेरे गानों के नाम बहुत कम, बहुत ही कम याद होते हैं। ठीक है, तो मेरे को आर्टिस्ट का नाम याद आएगा लेकिन वोकल मैं कैच नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन किस कौन सा सिंगर है जिसको क्यों है, लेकिन सुना सुना लग रहा है यार सैंपल। लेट्स गो लेट्स गो सुनते हैं, इस टाइप का एक्सपेरिमेंट मैं पहली बार देख रहा हूँ। ठीक है, खास करके टी सीरीज़ की तरफ से। बाजरे द सिट्टा, लेकिन वो तो कोई और किया था, बहुत सारे वर्जन है बाजरे द सिट्टे के, लेकिन मैं जो मेनली सुना था तो वो इक्का रश्मित कौर एंड दीप काशी का था। आप अगर रैप वगैरह सुनते हो तो भाई जानते होगे इन लोग को। बाकी लेट्स गो, माहिया बीट पैटर्न अच्छा लग रहा है। हो ए ट्रिपी बीट है, ट्रिपी है, फुल ट्रिपी, मतलब जो पैटर्न चेंज करते जा रहे धीरे धीरे भाई बहुत क्रेजी साउंड कर रहा है। लेट्स गो लेट्स गो। जाना मुझे था पर तूने क्या किया, रात की बेला है भाई अकेला है जाना है घर अब तो के बात सुन ले जरा फिर से तेरा मेरा कब कहां दिन कब रात हो। या ब्रो वो बाजरे दे सिट्टा जो सॉन्ग था उसके भी लिरिक्स इसी टाइप में थे, पर मैं पंजाबी वर्जन सुना था तो उसको थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट वगैरह करके थोड़ा इधर उधर करके वही चीज़ मुझे लग रही है। एंड लेकिन जो म्यूज़िक है, जो भाई डिलीवरी का जो पैटर्न है, सिंगिंग पैटर्न भी बहुत सही साउंड कर रहा है। या लेट्स गो भाई, गुरु रंधावा का किस टाइप पार्ट होगा मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ जानने के लिए। लेट्स गो, ज़्यादा क्यूरियस हो रहा हो।
क्या भाई एकदम न्यू साउंड लेके गुरु रंधावा को भाई सिंगिंग पर थोड़ा रैप टाइम है, थोड़ा स्टाइलिश टाइम है एंड ड्रिपी लग रहा है भाई, ट्रिपी लग रहा है। लेट्स गो लेट्स गो। एंड जो पॉज ले लेके कर रहे हैं ना भाई यार, टी सीरीज से इस टाइप का कुछ न्यू साउंड मैं सच बताऊँ तो भाई फॉर रियल एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं, बट या दिस इज क्रेजी। लेट्स गो। मैं खत्म। एक सेकंड बस बचे, लेकिन ट्रैक की मैं बात करूँ ना, इसमें बहुत भाई टेक्निकलिटी ना बीट में बहुत ज़्यादा, बहुत तगड़ा वर्क हुआ है। मतलब बीट पैटर्न अगर देखो तो भाई हारमोनी से तबला गिटार क्या होते क्या बोल रहे हैं हम यार, हाँ हारमोनियम एंड ऑल का भी बहुत ज़्यादा सैंपल यूज़ किया थोड़ा थोड़ा, एंड बहुत क्रेजी साउंड कर रहा है बीट यार, ठीक है। लेकिन ऐसा मास ऑडियंस को इससे टारगेट नहीं किया जा सकता, जो कि मैं सच्चाई बता रहा हूँ बहुत, मतलब कि मैं अपनी भी बात करूँ तो इसको लूप में मैं नहीं सुनूंगा, लेकिन एक टाइम के हिसाब से भाई ऐसे सुन धीरे धीरे थोड़ा बहुत सुनेंगे, लेकिन लूप पे बार 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 मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। एंड मॉस इंडिया की मास ऑडियंस इसको ज़्यादा टारगेट मेरे हिसाब से नहीं करेगी, या फिर कर भी सकते कोई भाई इसमें कोई मैं प्रिडिक्शन नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है होने को। सो या साउंड मेरे को बहुत अच्छा लगा न्यू साउंड में, दो तीन बार सुनूंगा तो उसके बाद भले मैं लूप पे सुनने के लिए तैयार हो जाऊँगा, लेकिन अभी के हिसाब से नहीं यार। एंड जो इसका मेन जो क्या दे गुरु रंधावे की जो मेन ऑडियंस है ना, उन्हें भाई बाउंसी वाला कैची टाइप के ट्रैक्स पसंद होते हैं, ठीक है। सो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बाकी तुम्हें कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो मेरा रिएक्शन तो लाइक कर देना, ना अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर देना। और ये ट्रैक के बारे में तुम्हारे क्या ऐसे ओपिनियन है प्लीज़ बताना, लेकिन मुझे भाई एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा सच बता रहा हूँ, सपोर्ट करो थोड़ा तो कुछ न्यू आएगा भाई, ठीक है। न्यू धीरे धीरे टी सीरीज़ भी एक्सपेरिमेंट करने पर आ चुकी है, सैम्पल एंड ऑल यूज़ करना चालू कर चुकी है, तो सपोर्ट करोगे तो शायद फ्यूचर में और सही चीज़ें मिले। सो या दैट्स ऑल टुडेज़ रिएक्शन, तुम्हें कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। बाकी मिलते किसी और ट्रैक के किसी और रिएक्शन, तब तक ले मच लव, कीप सपोर्टिंग एंड पीस आउट।